हेलो फ्रेंड, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हो ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल चैनल। फ्रेंड, टीपीएस ट्रेन ट्रेडिंग के बारे में आपको ऑलरेडी मालूम है, पूरा डिटेल्स आपको पता है टीपीएस ट्रेन ट्रेडिंग के बारे में। मैंने आप लोगों के सामने एक वादा किया था, क्या ये जो टीपीएस ट्रेन ट्रेडिंग है उसको हम लोग अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड वर्जन आप लोगों के लिए लाने वाले है। तो वही अपग्रेड वर्जन अभी रेडी तो हो चुका है, बट ये जो अपग्रेड वर्जन है, अपग्रेड वर्जन रिलीज होने में कुछ थोड़ा टाइम लगने वाला है। मतलब इस महीने का लास्ट में 28 को ये रिलीज़ होने वाला है। जून महीने का 28 तारीख को ये टीपीएस ट्रेन ट्रेडिंग टूल का जो एडवांस वर्जन है, अपग्रेड वर्जन है, 4.0 रिलीज़ होने वाला है। तो उसका छोटा सा हम लोग इस वीडियो में सैंपल देखेंगे, क्या कर सकते हो अपग्रेड वर्जन में, क्या अपग्रेड किया हूँ मैंने और क्या क्या चीज़ आपको एडवांस मिलने वाला है। तो पूरा एडवांस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग पहले वाला जो हमारा इंडिकेटर था टीपीएस ट्रेन ट्रेडिंग टूल, इसके बारे में तो आपको पता ही है, इसका काम के बारे में भी पता है, इसका वीडियो ऑलरेडी आ भी चुका है। ये हमारा नॉर्मल वर्जन है, ये एक्चुअली थोड़ा अपलोड होने में फर्स्ट टाइम ये थोड़ा स्लो अपलोड होता है। तो ये हमारा लोड हो चुका है, इसको मैं थोड़ा आपको सेटिंग करके मैं दिखा देता हूँ। जो पुराना हमारा टीपीएस ट्रेन ट्रेडिंग का टूल था, वो अभी अपग्रेड होने वाला है, जो अभी रनिंग में है, वो कैसे दिखता था उसके बारे में हम लोग पहले थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ऑफकोर्स ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन काम बहुत ज़बरदस्त करते हैं। कुछ इसी तरीके से आपको दिखाई देता था। अभी अपग्रेड वर्जन में और एक्स्ट्रा चीज़, बहुत सारा चीज़ ऐड हुआ है जो हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, और वो एडवांस टूल को भी हम लोग दिखाने वाले हैं, पूरा फीचर्स को आपका आप लोगों के सामने इंस्टीट्यूट करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देखिए और पूरा अच्छे से टूल के बारे में समझे। ये जो टूल है ये बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में अभी काम कर रहा है, मिनिमम बहुत सारा अभी 250-300 लोगों ने ये टूल अभी परचेस किया है, हर किसी को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल चुका है और मिल रहा है। और अपग्रेड वर्जन में और क्या बेनिफिट आप लोगों को दे सकता हूँ, पूरा मतलब मेरे पास जितना आइडिया था पूरा मैंने लगा के पूरा आइडिया को इकट्ठा करके एक ही टूल बनाया हूँ, जो है टीपीएस ट्रेन ट्रेडिंग टूल। तो उसका अपग्रेड वर्जन ये हमारा ओल्ड वर्जन है, जो अभी रनिंग में है और बहुत ही अच्छा मुनाफा देने में सक्षम है। और अभी हम लोग चलते हैं हमारा नया वर्जन, नया टूल है जो एडवांस टूल है टीपीएस ट्रेन ट्रेडिंग का, वो है वर्जन 4.0। आप देखेंगे ये भी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ये होता है, बट आप देखेंगे इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, आप सिर्फ देख सकते हो। आपको मतलब उसमें क्या हो रहा था, ओल्ड वाला जो वर्जन था उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, छोटा सा कन्फ्यूज़न था जो ट्रेंड के बारे में, ट्रेंड कैसे पता करें, सिर्फ एक सिंगल लाइन से उसमें ट्रेंड को पता करना पड़ रहा था। अभी इसमें क्या है, और एडवांस तरीके से आप पता कर सकते हो। मतलब आपको एक्यूरेट ट्रेंड के जानना है, 99% आपको ट्रेंड को पता करना है, तो आपको इसमें बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया गया है ये टूल में। आपका कमाल का टूल है, आप देखो देखिए पूरा वीडियो को देखिए क्या क्या फीचर्स है। देखिए ये डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, ठीक है, ये फीचर्स जो है ये एक्स्ट्रा फीचर्स इंक्लूड हुआ है इसमें, और भी बहुत सारा इंक्लूड हुआ है, बहुत सारे चीज़ इंक्लूड हुआ है, एक एक फीचर्स के बारे में आपको बताऊँगा। पहले ये वाला टूल में ट्रेंड लाइन था, पहले से ही था और पहले भी था, पहले जब रिलीज़ हुआ था हमारा टीपीएस ट्रेडिंग टूल्स जब रिलीज़ हुआ था उसमें ट्रेंड लाइन था, और आपको बाय सेल का सिग्नल भी मिल रहा था,
और आपको कलरिंग भी आपको मिल जा रहा था, ट्रेंड डिफाइन भी आपको मिल जा रहा था कि कौन दिशा में अभी ट्रेंड है और कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। लेकिन इसमें कमाल का फीचर्स क्या है, आपका ट्रेंड के बारे में बताएगा, आपका ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, आपका पर्टिकुलर ट्रेंड आपको पता करेगा इसमें जो आप ट्रेंड कौन सा ट्रेंड में अभी रनिंग है, आपका जो स्टॉक है या इंडेक्स है कौन सा ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पर आपको शो करेगा क्या अभी स्टॉक पूरा अप ट्रेंड में है, चाहे अप ट्रेंड मूव करे चाहे डाउन ट्रेंड मूव करे, लेकिन यहाँ पर आपको बता देगा क्या आपका ट्रेंड अभी कहाँ पर है। ठीक है, अब देख सकते हो इस पोजिशन में मॉर्निंग में आपको सिग्नल क्या प्रोवाइड किया है, जे आज आपका ट्रेंड अप ट्रेंड रहने वाला है पूरा दिन, आज का करंट है, आज कौन सा तारीख है, 5 तारीख, 5 जून का है ये, आज का ही है। ठीक है, 5 जून का करंट ट्रेंड है ये, अप ट्रेंड आपको बताया है, मार्केट जैसे थोड़ा डाउन भी आया है, लेकिन ये क्या बताया आपको पर्टिकुलर ट्रेंड क्या बता रहा है, जे आज का पूरा दिन का ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में है, जब तक ये सिग्नल चेंज नहीं होगा तब तक ये ट्रेंड चेंज होने वाला नहीं है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा कमाल का फीचर्स है, दूसरा कोई इंडिकेटर में आपको मिलने वाला नहीं है ये फीचर्स आपको, जो आपका ट्रेंड क्या है, मेन चीज़ आपको पकड़ना क्या है, आप जब ट्रेड करेंगे आपको मेन चीज़ किसके ऊपर फोकस रहते हैं, आप इतना सारा टेक्निकल एनालिसिस क्यों करते हो, आपको एक ही चीज़ पता करने के लिए कि आपका ट्रेंड कहाँ पर है और कौन दिशा में जाने वाला है। तो वही चीज़ को इंक्लूड किया हूँ ये ट्रेंड ट्रेडिंग का जो एडवांस टूल है, एडवांस टूल में जे आपका ट्रेंड कहाँ पर है, 2-3 दिन का मैं आपको दिखा देता हूँ जी ये कैसे आपको पता करके बताता है। जैसे आज का जो ट्रेंड था अप ट्रेंड में था, देखिए ये से पाइक भी आया था डाउन भी आया था, लेकिन ये ट्रेंड लाइन आपको ट्रेंड क्या बता रहा है, जो आपका ट्रेंड अप ट्रेंड में है, पूरा दिन अप ट्रेंड में ही था, मार्केट भी देख सकते हो पूरा दिन अप ट्रेंड में था। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये पिछले दिन क्या था, डाउन ट्रेंड में था, तो पूरा दिन आपको डाउन ट्रेंड में ही दिखाई दिया, उसका पिछले 2 दिन से आपको दिखाई दे रहा है क्या अप ट्रेंड में है, यहाँ पर सिग्नल आपको प्रोवाइड किया अप ट्रेंड में है, तो पूरा दिन आपका अप ट्रेंड में ही था 2 दिन से। यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड आपका ये लास्ट मोमेंट पे, ये कौन सा तारीख है, जून महीने का फर्स्ट ट्रेडिंग सेक्शन क्या था, पहले अप ट्रेंड में था, आप देख सकते हो पहले अप ट्रेंड में दिखा रहा था, बट समटाइम ये थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड में आया था, उसके बाद नेक्स्ट डे अगेन 2 तारीख आपको डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इस जगह से अप ट्रेंड पकड़ा, पूरा अप ट्रेंड में ही था बराबर, तो अभी देखिए इस जगह पे कंटिन्यू आपको डाउन ट्रेंड ही दिखा रहे हैं, जो आपका ट्रेंड अभी डाउन में है, आपका अप ट्रेंड में नहीं है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना पड़ेगा जो आपका ट्रेंड कहाँ पर है। अब देख सकते हो ये कितना कमाल का फीचर्स है, ये सिर्फ ये ट्रेंड पकड़ने के लिए आपको कितना पूरा दिन बैठ के एनालिसिस करना पड़ता है, जे आपका ट्रेंड कहाँ जाने वाला है, आपका पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपका ये कन्फ्यूज़न नहीं ख़त्म होता है जे आज का ट्रेंड कहाँ जाने वाला है। ये बात आप गौर कीजिएगा, जब आप पूरा दिन बैठेंगे, हज़ार तो टेक्निकल टूल्स यूज़ करेंगे, उसके अलावा हज़ार तो चार्ट यूज़ करेंगे, हज़ार तो आप क्या करेंगे 1000-2000 आप क्या करेंगे, हज़ार तो आप इंडिकेटर यूज़ करेंगे, लेकिन आपको आपको ट्रेंड डिफाइन करने में बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये देख सकते हो ये कितना सुंदर कितना कमाल का ट्रेंड आपको बताते हैं, जो आपका ट्रेंड पूरा दिन कहाँ रहने वाला है, डाउन में रहने वाला है या आप ट्रेंड में रहने वाला है। जैसे ही आपका ट्रेंड चेंज होता है वैसे ही आपको सिग्नल ये प्रोवाइड कर देता है। उसके अलावा पुराना फीचर्स तो आपको मालूम ही है ट्रेंड लाइन के बारे में, ट्रेंड लाइन ऑलरेडी तो इसमें ड्रॉ होता है जो आपका ट्रेंड कहाँ पर जाने वाला है क्या होने वाला है, तो ट्रेंड लाइन के बारे में ऑलरेडी पुराना जो ओल्ड फीचर्स था वो तो है ही, उसके साथ ये अपग्रेड हुआ है। ठीक है, और इसमें और एक फंक्शन बढ़िया क्या है, जैसे आपका ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो आपको सेल का सिग्नल देगा, तो आपको लेने का जरूरत नहीं है, आपको छोटा पॉइंट लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मेन ट्रेंड क्या बोल रहा है,
जी आप ट्रेंड में है, आपको मोटा प्रॉफिट मिलने वाला है, आप क्यों छोटा प्रॉफिट की तरफ भाग रहे हो? आपका मोटा प्रॉफिट आने वाला है, मोटा प्रॉफिट, आप क्यों छोटा प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो? तो ये आपको उतना हेल्प तो 100% करने वाला है, बहुत ही अच्छा कमाल का ये फीचर्स है। उसके अलावा अगेन और क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में भी हम लोगों को देखना चाहिए। एक फीचर्स देख लिया हूँ, ख़त्म नहीं हो गए ये दूसरा फीचर्स क्या है, नेक्स्ट फीचर्स क्या है, थोड़ा सा टाइम ये भी लेता है। जी आपको कहाँ पर हाई ले रहा है, कहाँ पर मार्केट हाई कर बना रहा है, कहाँ पर लो बना रहा है, उसका भी सिग्नल प्रोवाइड करता है। ये पुराना जो फीचर्स था उसमें भी है ऑलरेडी, ये फीचर्स पहले भी आपको देखने के लिए मिला है। टीपीएस 10 का जो ओल्ड 3.0 वाला जो वर्जन है, जो अभी रनिंग वर्जन है, जो अभी मार्केट में चल रहा है, उसमें भी ये मिला था और वो भी है। उसके अलावा क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेगा? आपको ट्रेंड डिफाइंड का लाइन भी मिलेगा, आपको ट्रेंड और एक ट्रेंड डिफाइंड का लाइन आपको मिलने वाला है। आप देख सकते हो बीच में आपको एक और एक लाइन आ गया है रेड कलर का। देखिए ये आपको सिंपली ट्रेंड डिफाइंड कर रहा है, ये सिंपली ट्रेंड डिफाइंड कर रहा है और आपका एग्जिस्ट पॉइंट बता रहा है जी आप कहाँ एग्जिस्ट होंगे। ठीक है, एग्जिस्ट पॉइंट भी ये बता रहा है आपको, मतलब आप देख सकते हो कितना खूबसूरत से ये दिखा रहा है जी आपका ट्रेंड यहाँ पर अप ट्रेंड में था, इतना तक आपका अप ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ से थोड़ा छोटा बहुत मूवमेंट आया है और आपका ट्रेंड फिर से रनिंग हो चुका है। ये दूसरा था फीचर्स, ये दूसरा फीचर्स था। अभी तीसरा फीचर्स क्या आने वाला है आप देखिए, सिर्फ अब तीसरा फीचर अभी आने वाला है। इसमें तीसरा फीचर्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ रहने वाला है आपका सेट, जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है तो उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ मिलने वाला है, ये स्टॉक को ये इंडेक्स को कहाँ कहाँ इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो ये भी चीज़ पूरा इंक्लूड है इसमें। देखिए इस पोजीशन में ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो रेजिस्टेंस होगा रेड कलर का लाइन आपको दिखाई देगा, इसी तरह आपको लाइन दिखाई देगा। ठीक है, और जो आपको सपोर्ट फेस करेगा वो ग्रीन कलर का आपको दिखाई देगा। मतलब आप पर्टिकुलरली समझ सकते हो इसमें क्या क्या चीज़ इनबिल्ट किया है। जो आपको आप इसमें सिर्फ फोकस हम लोग क्या किया हूँ मैं बता देता हूँ, आपका ट्रेंड को फोकस किया हूँ। जे आपके पास आपका जो ट्रेंड है, ट्रेंड को पानी के जैसा बनाने का ट्राई किया हूँ, जो पानी के जैसा आपको दिखे आपका ट्रेंड कहाँ पर है, कौन सा दिशा में अभी आपका ट्रेंड रनिंग है, कौन सा दिशा में जा रहा है, तो यही चीज़ इंक्लूड है, दूसरा कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं है इसमें। अभी नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन तो आपको तो पता ही है, लाइन ब्रेक के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है जो इसमें क्या होता है काम। ये पुराना ओल्ड वाला फीचर्स में भी था, जो ये जो ट्रेंड लाइन जो टूट चुका था, जो ट्रेंड लाइन ऑलरेडी टूट चुका है वो भी आपको शो करने लगेगा। ये फीचर्स ऑलरेडी पूरा ओल्ड टीपीएस जो टूल था 3.0 उसमें भी था और 4.0 में भी ये इंक्लूड है। ठीक है, अभी और क्या फीचर्स आपको मिलने वाला है वो भी देख लीजिए। ये फीचर्स भी आपको पुराना वाला टूल में था। ये आपका ये काम क्या करता है, आपका जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन तो आप देख सकते झट से लॉन्ग कर देता है, दूर तक मतलब लंबे बना देता है, आपको समझने में इजी हो इसके वजह से ये लंबा बना देते हैं। तो ये था पूरा फीचर्स 4.0 का टीपीएस 10 टूल का, 4.0 का पूरा फीचर्स था और ये बहुत ही कमाल का है, अभी रनिंग में है। टीपीएस 10 ट्रेडिंग टूल ऑलरेडी रनिंग में है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, सबको मालूम है ये कितना अच्छा काम कर रहा है। टेलीग्राम चैनल में भी आपको फोटो वगैरह मिला होगा, प्लस ये के जो लोग लिया है वो लोग तो बहुत अच्छा अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसका स्नैपशॉट भी आपको मिला होगा कितना जनरेट कर रहे हैं पर डे, कोई 27,000 को 30,000 कोई 1 लाख कोई 2 लाख तक इनकम जनरेट कर रहा है ये टूल के जरिए। तो ये कमाल का टूल है, इसके साथ जो जो इनबिल्ट फीचर्स मैंने इंक्लूड किया हूँ अभी फिलहाल, तो वो और कमाल का है, क्योंकि आपको एक चीज़ का इसमें पता चल रहा है कि आप कौन सा ट्रेंड में है, कौन सा लाइन में है, आपका लाइन छूटने का आपका रोड क्लियर है,
आपको समझ में आ रहा है मुझे कलकत्ता से दिल्ली जाना है तो कौन सा रूट से हम जाएंगे, वो रूट आपके सामने पूरा क्लियर है, आप उसी रूट से धीरे धीरे आराम से जा सकते हो, पहुंच सकते हो, ठीक है। तो इतना फीचर्स इसमें एडवांस टूल में इंक्लूड किया है, और क्या आगे जाके इंक्लूड होने वाला है उसका अपडेट जल्दी आने वाला है। ये जो 4.0 है ये रिलीज़ होने के बाद नया क्या फीचर्स और क्या नया फीचर्स इसके साथ इंक्लूड होने वाला है वो भी आपको जल्दी मालूम चल जाएगा। ये रिलीज़ होने के बाद ये 28 को रिलीज़ हो रहा है इसी जून महीने में, ठीक है। और बुकिंग अभी चालू है, इसका बुकिंग चालू है। इसका बुकिंग मतलब क्या है, जो लोग ऑलरेडी TPS टूल ले चुका है उसको ये अपग्रेड वर्जन तो मिलेगा ही मिलेगा। आप ज्वाइन होंगे तो आपको भी ये अपग्रेड वर्जन 28 तारीख को मिलने वाला है, ओके फ्रेंड। तो ये था TPS 10 to 10 का टूल। और आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा tradingpublicschool.co.in जो वेबसाइट है उसका, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाके विजिट कर सकते हो। पूरा डिटेल्स के साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वहाँ पर पूरा डिटेल्स के साथ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो। फ्री टेलीग्राम चैनल में भी हमारा कुछ ऑफर चलते हैं, ऑफ़र मिल जाएगा, बहुत सारा ऑफ़र चालू है अभी रनिंग में है, वो बहुत सारा ऑफ़र भी आपको मिलने वाला है, मिल जाएगा। आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो। और इसी टूल को आपको लेने के लिए आपको क्या कहना पड़ेगा, आपको हमारे वेबसाइट में जाना है। वेबसाइट में दो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, एक हमारे साथ अकाउंट ओपन करके 6 महीने के लिए आप ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको 6 महीने के लिए ट्रायल पीरियड मिल जाएगा, 6 महीने के लिए ये टूल मिलेगा। उसके अलावा आप पेमेंट करके दो महीने या 6 महीने 1 साल आराम से ले सकते हो। उसके बाद कोई नया अपग्रेड आता है तो उसके हिसाब में हम लोग सोचेंगे क्या करना है। तो फ्रेंड थैंक यू, आज का वीडियो इतना तक ही था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपको कैसा लगा ये नया अपग्रेड, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये अपग्रेड कैसा लगा है, इसमें और क्या मुझे इनबिल्ट करना चाहिए उसका भी छोटा सा इन्फॉर्मेशन मेरे को देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अब मेरे को और क्या इंक्लूड करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट और एक चीज़ रह चुका है, वो नेक्स्ट अपग्रेड में आएगा, वो है टारगेट। आपको टारगेट कहाँ रखना है, स्टॉपलॉस का तो ऑलरेडी मालूम है, टारगेट कहाँ पर रहना है, फर्स्ट टारगेट क्या होने वाला है, सेकंड टारगेट क्या होने वाला है, तो फाइनल टारगेट आपको क्या रहने वाला है वो भी जल्दी, बहुत ही जल्द से जल्द आ जाएगा। एक दो महीने के अंदर ही आपको वो भी अपडेट मिल जाएगा। उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे काम ख़त्म हो जाता है वैसे या आपको डेमो मिल जाएगा यूट्यूब में डेमो देखने के लिए जे इसमें कैसे काम करना है। तो फ्रेंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।